आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियलमी का फंक्शन के बारे में, एंड्रॉइड 10 में क्या क्या फंक्शन देखने को मिला है रियलमी में, वो फंक्शन के बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगा। वैसे तो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो उसका थंबनेल भी दिया गया है और मैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ पर बहुत सारा मैं रियलमी का फंक्शन बताया हूँ जो कि आपको पता नहीं होगा। तो जाइए वो सब फंक्शन अपना अप्लाई कीजिए और यूज़ कीजिए, बहुत सारा मैं फंक्शन के बारे में बताया हूँ। तो मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ या फिर आई बटन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप इजीली चेक कर पाएंगे और जाइए और देखिए क्या क्या फंक्शन आया है एंड्रॉइड 10 में। तो मैं यहाँ पे कुछ छूट गया था उसमें जो फंक्शन, वो इस वीडियो में आपको फंक्शन बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा किस प्रकार से मैंने एक फंक्शन के बारे में बताया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारा जो फंक्शन यहाँ पे आया हुआ है। तो ये बटन क्यों है इसका मैं यूज आपको बताऊंगा, ये क्यों और कहाँ से इसे एनेबल करना है। तो अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉइड 10 का अपडेट है तभी ये सारा फंक्शन आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। तो अगर आपका एंड्रॉइड 10 का अपडेट नहीं है तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दिया हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप अपना मोबाइल में एंड्रॉइड 10 का अपडेट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आप भी एंड्रॉइड 10 का अपडेट कर लेंगे और ये सारा का सारा जो फंक्शन है वो भी यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये बटन दिया गया, आखिर ये बटन क्यों दिया गया। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्यों दिया गया है। अगर इस पर आप टैप करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं ये बार जो है हाइड हो चुका है सारा का सारा बटन। अगर आप यूज करना है तो ऊपर की ओर स्लाइड करना होगा तब ये आएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है वो 2 से 3 सेकंड के में नीचे चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे नहीं जाए यहीं पे रहे ऑटोमेटिक, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो है हाइड नहीं होगा बार, यहाँ पे हमेशा के लिए जो है रहेगा। और इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाइड हो जाएगा, उसके बाद आपको नीचे स्लाइड करना है, स्लाइड करने के बाद जो है वो यहाँ से आ जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ किस प्रकार से इसे अनेबल करना है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में आ जाना है। चलिए मैं सेटिंग यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, स्मार्ट सर्विस में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं निगेटिव बटन दिया गया, निगेटिव बटन पे आपको क्लिक करना है। निगेटिव बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो इस पर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अनेबल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो है बटन आ रहा है, इसको आपको जो है अनेबल करना है और वहाँ पे बटन आपका भी आ जाएगा। इस प्रकार से बटन को आप भी ला सकते हैं। तो ये था पहला फंक्शन। अब मैं आपको बता दें दूसरा फंक्शन। जैसे कि आपको पता है 100 मोड के बारे में आपको पहले पता होगा, सभी के सभी जो है रियलमी के डिवाइस में दिया गया है 100 मोड। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ 100 मोड। तो यहाँ पर आप देखते हैं 100 मोड है, तो मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ। उसके बाद यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखते हैं 100 मोड हो चुका है। तो इसको करने के लिए एक और उपाय है, यहाँ पर एंड्रॉइड 10 में फंक्शन दिया गया है, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे स्लाइड करना है, यहाँ पर जो बटन यहाँ पे दिया गया है इस पर आपको क्लिक करके और नीचे को स्लाइड करना है। देख सकते हैं नीचे स्लाइड किया, कॉल लावे नीचे आपको स्लाइड करना है, यहाँ पे जो है हो जाएगा। तो यह था दूसरा फंक्शन, यहाँ से आप इजीली जो है वो स्विच कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ थर्ड फीचर। तो सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है, ये बहुत ही सिक्योरिटी रीजन के लिए रहता है। तो यहाँ पर सर्च बार में आपको यहाँ पर टाइप करना है पिन टाइप करके, उसके बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आएगा स्क्रीन पिनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आने वाला है स्क्रीन पिनिंग नाम से एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है स्क्रीन पिनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा और यहाँ से जो है स्क्रीन पिनिंग को अनेबल करना है। अनेबल करने के जो है बाद जो है वो बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देख सकते हैं बैक आ चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ प्ले स्टोर ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इस बटन पे आपको क्लिक करना है, रिसेंट बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं पिन का ऑप्शन जो है आ चुका है। पिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है वो डिवाइस लॉक हो जाएगा, उसके बाद ओके करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये एप्लीकेशन जो है लॉक हो चुका है। तो ये एप्लीकेशन के अलावा कोई एप्लीकेशन यूज आप नहीं कर पाएंगे। जैसे आप गेम वगैरह खेल रहे हैं तो आप गेम को लॉक कर सकते हैं, उसके बाद जो है कोई बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे यहाँ पे बैक नहीं होने वाला है, गेम ये एप्लीकेशन से आप हट नहीं सकते। ये किड्स के लिए भी है, अगर आप किसी बच्चे को अपना मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं तो कोई भी एक एप्लीकेशन खोल के उसको लॉक कर दीजिए, उसमें वही एप्लीकेशन केवल वो यूज इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर आप इसे हटाना चाहते हैं दोबारा तो आपको यहाँ पर देखते रिसेंट बटन और बैक बटन पर टुगेदर क्लिक करना है, प्रेस एंड होल्ड करना है। तो यहाँ पे एक साथ प्रेस एंड होल्ड करना है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो डिसेबल हो चुका है। तो यह था थर्ड फीचर, यही मैं इस वीडियो में बताने वाला था। और यहाँ पे इस प्रकार से आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं इफेक्ट दिया गया है, इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं एक नया है रोल, तो रोल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं आपका जो है एप्लीकेशन रोल करेगा आप मेरे जैसा।
यहाँ पर इस प्रकार से आपका भी रोल करेगा। तो यही चार फंक्शन के बारे में इस वीडियो में बताना था। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में बताने वाला हूँ रियलमी डेंजर डेंजर फ्यूचर जो है बताने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आप ये फंक्शन का जो है यूज कर सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे भी दिया गया है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप वहाँ से हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर वीडियो पोस्ट शेयर कर सकते हैं और उसके द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आया है कैसे सॉल्व करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।